हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल सेकंड तथा प्रतिहार साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में काफ़ी कुछ पहले पढ़ाया है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसके बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वो गुर्जर प्रतिहारों का जो राजवंश है उसके बारे में, और जैसे कि जो फेमस शासक हुए हैं नागभट है, आपका मिहिर भोज है, वत्सराज है, इन सब के बारे में हमने आपको पहले काफ़ी कुछ पढ़ाया है। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप हमारे वीडियोज़ को बार बार देखिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल सेकंड। गुर्जर प्रतिहार महिपाल के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय राजा बना। तो महिपाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, देखिएगा वहां पे। अब जो महेंद्रपाल द्वितीय है, इसने 945 से 48 ईस्वी तक शासन किया था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के आक्रमण के फलस्वरूप प्रतिहार साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक है, महेंद्रपाल द्वितीय के बाद 960 ईस्वी तक प्रतिहार वंश में चार शासक हुए। देवपाल जो 948 से 949 ईस्वी तक, विनायकपाल द्वितीय 953-54 ईस्वी में, महिपाल सेकंड 955 ईस्वी में, और विजयपाल ये 960 ईस्वी में था। ठीक है, इन शासकों के समय में प्रतिहार साम्राज्य का निरंतर ह्रास हो रहा था। सॉरी, देवपाल के समय में चंदेलों ने कालंजर का दुर्ग प्रतिहारों से छीन लिया था। ठीक है, खजुराहो लेख में चंदेल यशोवर्मन को गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि अब चंदेल तथा दूसरे सामंत भी सिर उठाने लगे थे। इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रतिहार शासक योग्य नहीं था। विजयपाल के समय तक आते आते प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बंट गया तथा प्रत्येक भाग में स्वतंत्र राजवंश शासन करने लगे। इनमें कन्नौज के गहड़वाल, जेजाबुक्ति के चंदेल, ग्वालियर के कच्छपघात, शाकंभरी के चाहमान, मालवा के परमार, दक्षिणी राजपूताना के गुहिलोत, मध्य भारत के कलचुरी चेदी तथा गुजरात के चालुक्य प्रमुख हैं। 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया था। अब यह कन्नौज के आसपास ही स्थित सीमित रहा। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर शासन किया। उसने महमूद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। राज्यपाल अपना शरीर लेकर भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। राज्यपाल की इस कायरता पर तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत कुपित हुए। ठीक है, चंदेल नरेश विद्याधर ने राजाओं का एक संघ तैयार कर उसे दंडित करने का निश्चय किया। धूपकुंड लेख से पता चलता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। राज्यपाल के दो उत्तराधिकारी त्रिलोचनपाल तथा यशपाल के नाम मिलते हैं, जिनके शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 1090 ईस्वी तक वे किसी न किसी रूप में कन्नौज अथवा उसके किसी भाग पर शासन करते रहे। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूर्ण रूपेण विलुप्त हो जाता है तथा कन्नौज में उसके स्थान पर गहड़वाल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों के बाद कौन आता है? गहड़वाल वंश आता है। आगे हम गहड़वाल वंश के बारे में आपको बताएंगे, तो हमारे वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।